ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत सही होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं आपका दोस्त दीप कुमार पाल एक बार फिर वापस आया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं, वो भी अपने लैपटॉप से, बिना कुछ किए, सिर्फ आपके वेब ब्राउजर से। आप बिना एक रुपया लगाए कैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, ये सब माइन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ बढ़िया वेबसाइट्स जिससे आप बिना कुछ पैसे लगाए क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहली वेबसाइट है cryptotab.net। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउजर लिखा हुआ दिखाई देगा। ब्राउजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा होगा डाउनलोड का। क्रिप्टो ब्राउजर बेसिकली जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर होता है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वैसा ही एक ब्राउजर होता है। तो आप यहाँ पर इस ब्राउजर को डाउनलोड करके जब आप अपडेट करेंगे, जब इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, तो ऐसा एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो क्रिप्टो टैब ब्राउजर नाम से एक ऐसा पहले डैशबोर्ड बन के आता है। ये हमारा डैशबोर्ड है, देखिए मैंने अभी तक यहाँ पर इतने बिटकॉइंस माइन कर लिए हैं। ये कुछ दिनों से ये ब्राउजर चल रहा है और अब तक यहाँ पर इतने बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। तो क्रिप्टो टैब के अंदर आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी माइनिंग की स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप कितना माइनिंग स्पीड आपके कंप्यूटर से देना चाहते हैं। एक्चुअली ये सब ब्राउजर जो है ये कैसे काम करते हैं, आपके कंप्यूटर की जो CPU की पावर है, आपके इंटरनेट की स्पीड है, उसके ऊपर काम करते हैं। उसके बेसिस पे ये आपके माइनिंग करके आपको कुछ बिटकॉइंस बना करके देते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पर, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आप माइनिंग जीरो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऑफ भी कर सकते हैं। या फिर आप जैसे रात के समय कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर खाली चल रहा है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम लोड लगा कर भी यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम मैक्सिमम पे करते हैं यहाँ पर आपका हैश रेट जो है वो बढ़ने लगता है। तकरीबन आमतौर पर 500-600 हैश रेट तक आपको क्रिप्टो टैब ब्राउजर पे मिल जाता है। तो ये अच्छा है, एक तरीके से अच्छा आप स्पीड कहेंगे माइनिंग की, कितने पर सेकेंड कितने हैश हम निकाल सकते हैं ये हमारी क्रिप्टो करेंसी पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम ये जो क्रिप्टो टैब ब्राउजर है ये आप एंड्रॉयड मोबाइल और अपने PC दोनों पर चला सकते हैं। क्रिप्टो टैब में जब आप यहाँ पर क्रिप्टो टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि क्या आप क्रिप्टो टैब ब्राउजर अपने लैपटॉप के लिए लगाना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो टैब ब्राउजर मोबाइल का एप्लीकेशन है, वो भी आप यहाँ पर पे डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर भी चला सकते हैं। मोबाइल पर चलाने के लिए आपको कुछ पैसे वहाँ पर देने पड़ते हैं प्रो वर्जन में, क्योंकि फ्री वर्जन अब चलता नहीं है ठीक से, शायद ट्राई किया था मैंने लेकिन नहीं चला। तो आपको वहाँ पर थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, 230 या 250 रुपये के आसपास आपको वहाँ पर अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो टैब ब्राउजर जो लैपटॉप पर आप चलाएंगे वो बिल्कुल मुफ्त है। देखिए जैसे यहाँ पर ये अभी तक माइन कर चुका है। तो बिटकॉइन की कीमत आप सब जानते ही हैं। ये पहली जो एप्लीकेशन, ये पहला वेब ब्राउजर जो सिर्फ इंटरनेट से चलने वाला वेबसाइट है, वो है क्रिप्टो टैब। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वेबसाइट की तरफ। दूसरी वेबसाइट है goldenprice.in में। goldenprice.in में आप फॉसेट जो है, फॉसेट की तरह ये काम करता है। फॉसेट मतलब एक, इट्स लाइक जैसे लूडो का गेम होता है, आप डाइस चलते हैं, एक बार ही चलते हैं, ऐसा ही है फॉसेट। हर आधे घंटे में आपको यहाँ पर एक कुछ बिटकॉइंस आपको माइन करके देता है। बिटकॉइन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपको यहाँ पर माइन करके देता है। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है। यहाँ पर हम जैसे डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में जाते ही हमें देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड में ये बताता है कि आप अभी तक कितने BCH बिटकॉइन हैश सतोशी, कितने सतोशी आप यहाँ पे, मैं यहाँ पर माइन कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक बार 15, 16 इस तरीके से यहाँ पर कितने बिटकॉइन सतोशी माइन किए जा चुके हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप विड्रॉ का ऑप्शन भी है, यहाँ पर विड्रॉल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन विड्रॉल के लिए मिनिमम आपके पास 0.002 बिटकॉइन हैश होना चाहिए। 0.002 से पहले आप यहाँ पर इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे पास अभी 0.00006 सतोशी है यहाँ पर, बिटकॉइन है। तो आप मेरे को अभी इतने लाने में अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो हर आधे घंटे में, वैसे मैं इसको ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, हर आधे घंटे में क्लिक करेंगे अगर आप, या रेगुलर बिटकॉइन का आपको क्रेज़ है तो आप यहाँ पर हर आधे घंटे में क्लिक करेंगे तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। खैर ये तो ये गोल्डन प्राइस है, ये तीसरा। दूसरा हमारा वेबसाइट है goldenprice.in। सभी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चलिए थर्ड जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है majestyhash.com। यहाँ पर भी आपको नॉर्मली बिटकॉइन सतोशी में मिलते हैं, आप चाहें तो, ये सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप सीधे INR में, इंडियन नेशनल रुपी के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कितनी अर्निंग की है। देखिए जैसे मेरे डैशबोर्ड पर मेरा माइनिंग पावर है 0.9 TH टेरा हैश पर सेकेंड, और अभी तक मैं 186 रुपीज़ की माइनिंग कर चुका हूँ पिछले 5-6 दिनों से, आई थिंक शायद हफ्ता हुआ है इसको माइन करते हुए। तो majestyhash.com के अंदर
ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि आप जिस भी करेंसी में चाहें आप उसको देख सकते हैं। बिटकॉइन में अगर हम देखना चाहें तो अभी तक मेरे पास 0.0007 बिटकॉइंस हो चुके हैं। INR में मुझे अच्छा लगता है, हमारे भारत की करेंसी है, इसलिए मैं रुपी में ही इसको रखता हूँ। यहाँ पर सबके अंदर आपको एफिलिएट प्रोग्राम मिलेगा। आपके पास अगर एफिलिएट बहुत सारे आपके दोस्त हैं या आपके जानने वाले काफ़ी हैं तो सबसे बढ़िया यहाँ पर रहता है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी एक टीम बनाएं। टीम बना करके आप यहाँ पर ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अप टू 9% रेफरल शेयर ऑन योर पर्सनल रेफरल लिंक। हर रेफरल लिंक देने पर आपको 9% का शेयर मिलता है, यानी कि जो आपका फ्रेंड आपके नीचे काम करने वाले आपके दोस्त यार दोस्त जो वो माइनिंग करेंगे उसका आपको 9% का ये मैजेस्टी हैश देगा। और उसके बाद 6% हर एक रेफरल पे आपको मिलेगा, फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के आपको 2% और थर्ड लेवल का आपको 1% तक का रेफरल इनकम आती है, जो काफ़ी अच्छी सही इनकम है। यहाँ पर प्राइजिंग की, यहाँ पर आप चाहें तो इनका पेड थोड़ा सा पेड पावर भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। मिनिमम यहाँ पर पेड पावर, मिनिमम पावर आप 1300 रुपये में खरीद सकते हैं, जो कि 6.2 टेरा हैशिस पर सेकंड की पावर मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इस पावर के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको मंथली लगभग 3000 रुपये की आप अर्निंग कर सकते हैं और 15 डेज में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। मुझे इन सब पर पैसा खर्च करना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं सब फ्री में चलाता हूँ। तो मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप बिल्कुल पैसा यहाँ खर्च ना करें और आप सिर्फ फ्री में ही अपना अकाउंट बना करके बैकग्राउंड में इन्हें चलते रहने दें और अपना इनकम बनाएं। तो ये थी majestyhash.com। अब आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है dogemininglpaid.com। डॉज माइनिंग पेड पर यहाँ पर भी आप सिंपली आप अपना, देखिए मैं लॉगआउट करके बताता हूँ क्योंकि मेरा सब बैकग्राउंड में ये सब चलता रहता है, तो मैं आपको लॉगआउट करके बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग साइनअप करेंगे, जैसे ही डॉज माइनिंग पेड पर आएंगे यहाँ आप साइनअप करेंगे। साइनअप में ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम, आपका यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी रिटाइप करना पड़ेगा आपको। कुछ भी सीक्रेट क्वेश्चन आप डाल सकते हैं यहाँ पे, आई एम नॉट अ रोबोट, या आपको रिकैप्चा सेट करके रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ऐसा पेज खुलेगा जैसा अभी मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले डॉगी की फोटो आती है, उसके बाद यहाँ पर ये आपका, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपकी देखिए माइनिंग शुरू हो जाती है। सिस्टम विल ट्रांसफर माइन कॉइंस टू योर बैलेंस एवरी 24 आवर्स में आपका जो भी डॉज कॉइन आप माइन करते हैं वो आपका बैलेंस ट्रांसफर कर देता है आपके वॉलेट में। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर माइनर और खरीद सकते हैं, जैसे सारे सबके अंदर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको 10 डॉज कॉइन में आपको नया माइनर मिल सकता है, 21 में आप पावर खरीद सकते हैं, 5000 TH पर सेकंड की पावर मिलती है। डिपॉजिट लिस्ट, अगर आपने कुछ प्लान खरीदा है तो ये उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। आपकी अर्निंग हिस्ट्री, आपने कितना कितना अर्न किया है, जैसे मेरी अर्निंग हिस्ट्री है कितने बजे मैंने कितना अर्न किया है, तो ये देखिए अभी July 17, 2021 यानी आज का है, 9 बजे, सुबह 9 बजे तक मैंने 0.05 डॉज कॉइन अर्न कर लिए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप अकाउंट पे जाएंगे दोबारा से तो आपको यहाँ पर आपका डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पर भी आप एफिलिएट प्रोग्राम है, आप अपने नीचे अपने यार दोस्तों को ऐड करके, ये आपका रेफरल लिंक होता है, अगर आप लोग मेरे रेफरल लिंक से जाएंगे तो आपको इनामी तौर पर हैश कॉइंस, डॉज कॉइंस सबके अलग से मिलता है। मेरे रेफरल लिंक से आप अगर यहाँ चलाना चाहते हैं तो मैं रेफरल लिंक्स भी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, मेरे को भी थोड़ी हेल्प होगी और आपको भी फ्री के डॉज कॉइंस प्राप्त होंगे। यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटी आप कुछ कर सकते हैं, पेमेंट प्रोफाइल, ये आपका पेमेंट और प्रोफाइल है। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह आपका खो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है। विड्रॉल कैसे करें, विड्रॉल के टाइम पर जब आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो मिनिमम विड्रॉल जो है वो 10 डॉज कॉइंस का है, तो जब तक आपके 10 डॉज कॉइंस नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ विड्रॉल का रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते हैं। इन सब वेबसाइट्स में बस यही है कि जब आपको लंबे समय तक इन्हें चलाना पड़ता है ताकि आपके एक स्पेसिफिक अमाउंट मिले, क्योंकि जब आप विड्रॉल्स लगाते हैं तो आपको कुछ कमीशन भी इन वेबसाइट्स को देना पड़ता है, जो कि जायज़ भी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कमीशन को कम करने के लिए यहाँ पर जो है विड्रॉल की लिमिट थोड़ी बढ़ाकर लगाई जाती है ताकि आपको बार बार एक्स्ट्रा कमीशन देना ना पड़े। इसलिए यहाँ पर विड्रॉल लगाया जो है लिमिट है वो है 10 डॉज कॉइंस। तो ये था डॉज माइनिंग पेड। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है esbtcnews.com esfaucet करके ये एक वेबसाइट है, esfaucet। यहाँ पर जब आप अपना रजिस्टर करके अकाउंट बनाएंगे तो एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। ये
ये सब वेबसाइट्स थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ी इंटरनेट पावर को कंज्यूम करने वाली हैं। तो अगर आपके पास हल्का इंटरनेट कनेक्शन है, जो आप 1 GB 2 GB अपने मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे दिन इस पर ना चलाएं तो बेहतर होगा। ये देखिए, जब आप फॉसेट में अपना अकाउंट बनाते हैं तो ये एज अ डैशबोर्ड खुल कर आता है। यहाँ पर आपको ये भी फॉसेट की डोज, जैसे हमने गोल्डन प्राइस डॉट आई एन का फॉसेट देखा था, वैसे ये भी एक फॉसेट है। यहाँ पर भी आपको अर्निंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये डिफरेंट इतने तरह के कॉइन्स आप यहाँ पर माइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये मेरा बैलेंस है, इतने सतोशी मेरे पास ऑलरेडी इतने हो चुके हैं। ये इथेरियम, लाइट कॉइन, रिपल, स्टेलर, डिजीबाइट, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स यहाँ पर ऑलरेडी इतने कॉइन्स मेरे पास माइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अर्निंग करने के लिए जैसे आप अनपर जाएंगे, अनपर जाकर यहाँ पर फॉसेट्स में आपके पास पे टू क्लिक है, वीडियोस हैं। इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप घर में स्टूडेंट हैं, खाली बैठे हैं, एग्जाम नहीं है कुछ, या फिर आप फ्री हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो आप वीडियोस पर यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो से रोज़ का 3 से 4 वीडियोस देख करके आप अराउंड 2000 सतोशी आराम से कमा सकते हैं। ये देखिए, जब आप वीडियो एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ कुछ अजीब सी कुछ भी फालतू वीडियोज़ होती हैं, जिसमें आप बस क्लिक करके छोड़ दो, बैकग्राउंड में चलती रहेगी, कुछ और काम कर लो। ये अपनी वीडियोस आपको पैसा बना के दे देती हैं। इन वीडियोस जब तक ये क्लिक हो रहा है, हम यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सबसे मेन ऑप्शन है इसके अंदर माइनर का। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे माइनर अर्न में, हम यहाँ पर माइनर पे क्लिक करेंगे। माइनर पे क्लिक करके आप इसको बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आपको माइन करके आपका अकाउंट में आपके क्रिप्टो करेंसी अर्न करता रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर जब आप माइनर पे क्लिक करेंगे ऐसा पेज खुलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, हैशेस 40 हैशेस पर सेकंड की स्पीड से आपकी माइनिंग शुरू हो जाती है। ये माइनिंग होती रहेगी अब यहाँ पर। आप चाहे तो आप इसको बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ और कुछ भी करिए, इसको बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए, ये आपकी माइनिंग करता रहेगा। और यहाँ पर ये माइनिंग कर करके दिखाता रहेगा। देखते हैं वीडियोज लोड हो गया। तो यहाँ पर ESBTCO का जो वीडियोस का हमने लिंक डाला था उसके अंदर, ये देखिए, ये कोई भी 60 सेकंड की छोटी सी आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको 615.83 ES कॉइंस मिलेंगे। ES फॉसेट के अंदर आपको ES कॉइंस मिलते हैं, जो ES कॉइंस आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, किसी में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो रोज आप यहाँ पर देख करके तकरीबन 600, 600, 1200 तकरीबन 2 से 2500 ES कॉइंस आराम से यहाँ पर आप माइन कर सकते हैं। तो मेरे पास जैसे खाली टाइम रहता है तो मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो ऐसे चला करके बैकग्राउंड में पीछे छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और काम करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सब वीडियोस चलाकर ये कॉइन माइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। ये थी हमारा ES फॉसेट। तो अब नेक्स्ट हमारी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है, पहली है expresscrypto.io। expresscrypto.io के साथ हमारे पास 3 और एक जैसी वेबसाइट्स रहेंगी हमको। देखिए, है एक autofaucet.touchcorp.space पहली, दूसरी autofaucet.org और तीसरी autoclaim.in। ये तीनों वेबसाइट्स एक तरीके से काम करती हैं लगभग, तो इसलिए इन सब के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेस क्रिप्टो पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्सप्रेस क्रिप्टो पे हम अपना अकाउंट बना करके यहाँ पर आपको एक यूनिक एक्सप्रेस क्रिप्टो की यूनिक आईडी मिलती है। बेसिकली ये जो यूनिक आईडी है, ये यूनिक आईडी आपको इन तीनों वेबसाइट्स में फिल करनी है। तो चलिए ऑटो क्लेम के बारे में पहले देखते हैं। ऑटो क्लेम में फ्री टोकन, जब आप ऑटो क्लेम पे रजिस्टर करेंगे, ऑटो क्लेम में रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ फ्री टोकन में माइनिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ऑटो फॉसेट में आपको सबसे पहले फॉसेट में जब आप जाते हैं, फॉसेट में जाने पर आपको यहाँ पर ऑटो क्लेम वगैरह जो लगाना पड़ता है ऑटो क्लेम में जब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सप्रेस क्रिप्टो, यहाँ पर हमको वो एक्सप्रेस क्रिप्टो में जो हमारा ये यूनिक आईडी थी, ये यहाँ पर डालना पड़ता है। लेकिन ऑटो क्लेम हम तब तक नहीं चला सकते जब तक हमारे पास मिनिमम 40-60 फॉसेट कॉइंस ना हो। इसके लिए हम पहले थोड़े से फ्री कॉइंस निकालेंगे। फ्री कॉइंस निकालने के लिए हमें यहाँ माइनिंग पे क्लिक करना है। माइनिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राउजर माइनिंग आप देखेंगे। इस ब्राउजर माइनिंग पे नीचे आएंगे हम। ब्राउजर माइनिंग पे आकर के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टार्ट माइनिंग लिखा है। जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट माइनिंग। यहाँ पर थ्रेड्स आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पर तो आप नंबर 1 थ्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका लैपटॉप फ्री है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 थ्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट माइनिंग करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट पॉज माइनिंग लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी।
जैसे ही आप यहाँ पर पॉज माइनिंग लिखा हुआ जाएगा, माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपको स्पीड दिखेगी, स्पीड चेंज होती हुई दिखेगी। यहाँ पर कभी 4, कभी 5, कभी 9 हैश पर सेकंड आप स्पीड चेंज होती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपने कितने हैशेस माइन कर लिए हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको याद होगा हमने एक्सप्रेस क्रिप्टो पर यहाँ पर एक यूनिक आईडी की बात की थी, वो यूनिक आईडी हमें कहाँ डालनी है, वो यूनिक आईडी हमें यहाँ सिस्टम में सेटिंग्स में जाके विड्रॉल सेटिंग्स के अंदर जब हम देखेंगे विड्रॉल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर एक्सप्रेस क्रिप्टो सेटिंग्स यहाँ पर हमें वो अपनी यूज़र आईडी डालनी है, यूनिक ईसी आईडी यहाँ पर डालनी है। ये यूनिक आईडी डालने का मतलब है कि आपका जो भी कॉइन्स यहाँ पर माइन होंगे ये डायरेक्टली आपके एक्सप्रेस क्रिप्टो के अकाउंट में आ जाएंगे। एक्सप्रेस क्रिप्टो के अकाउंट में जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से जब आप ये माइनिंग होती रहेगी, ऑटो क्लेम करते रहेंगे आप थोड़े टाइम बाद, तो ये अपने आप इस एक्सप्रेस क्रिप्टो के अकाउंट में आते रहेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन में सेटिंग्स में जाएंगे, विड्रॉल सेटिंग्स में जाकर के सेटिंग्स में हम ये इसी यूजर आईडी का यूनिक आईडी यहाँ पर डाल देंगे। ऐसा ही सेम टू सेम हम ऑटो फॉसेट में भी करेंगे। ऑटो फॉसेट में भी एक्जैक्टली सेम जैसा हमने ऑटो क्लेम में किया है वैसा ही प्रोसीजर ऑटो फॉसेट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी फ्री टोकन्स में आके आप माइनिंग पे जाएंगे तो आपको ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आप स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक करेंगे और आपकी यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर कितने माइनिंग में ऑलरेडी कितने हैशेस मेरे बन चुके हैं वो दिखा रहा है, अवेलेबल हैशेस आपके यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर भी आप सेटिंग्स में जाएंगे, विड्रॉल सेटिंग्स में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेम आपको सेम एक्सप्रेस क्रिप्टो की वही सेम यूज़र आईडी यहाँ पर डालनी है। आपका ईमेल आईडी अगर आप सेव करना चाहें तो वो ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इवन आप यहाँ पर डायरेक्ट विड्रॉल भी ले सकते हैं, जिस करेंसी का आप चाहें डायरेक्ट विड्रॉल आपके वॉलेट एड्रेस यहाँ पर डालना चाहें वहाँ पर भी डालकर आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेम टू सेम, इधर भी ऐसा ही ऑप्शन है। एक और बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक्सप्रेस क्रिप्टो में जब आप एक्सप्रेस क्रिप्टो में अकाउंट बनाते हैं ऐसा जब अकाउंट दिखता है तो यहाँ पर आपको जब आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन का जो आपका मेन वॉलेट का एड्रेस है, कोई भी आपका मेन वॉलेट जो आपने बनाया होगा, मेटामास्क बनाया है या आपने इलेक्ट्रम पर बनाया हुआ है या मेटामास्क पर बनाया हुआ है या फिर आपने कॉइन बेस में बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर इसका एड्रेस लिखना है, अपने परमानेंट वॉलेट का एड्रेस जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हो उसका एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपना बिटकॉइन का एड्रेस डाला हुआ है और यहाँ पर मैंने अपना इथेरियम का एड्रेस डाला हुआ है, इसी तरीके से आप यहाँ पर एड्रेस डाल के उसे जैसे ही लिंक करेंगे तभी आपका पैसा जो भी आप माइन करेंगे यहाँ पर ऑटो क्लेम से या फिर यहाँ पर ऑटो फॉसेट से या फिर ऑटो फॉसेट डच कॉर्प स्पेस से जो भी आप माइन करेंगे वो जो एक्सप्रेस क्रिप्टो के अंदर आएगा, फिर वो एक्सप्रेस क्रिप्टो से आपका परमानेंट वॉलेट के अंदर वो सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होगी, जो कि आप बाद में ट्रेड पर लगा सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए सेल कर सकते हैं या उसको ट्रेडिंग पर लगाकर कोई और क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ अपने ब्राउजर पे ही बिना एक रुपया लगाए कैसे हम क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं जो कि हम अपने ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोबारा से एक बार क्या कर लेते हैं, ये है पहला है हमारे पास ये क्रिप्टो टैब ब्राउजर जो कि एज ए ब्राउजर की तरह काम करता है, दूसरा है goldenprice.in, तीसरा है majestyhash.com, चौथा है dogeminingpaid.com, पांचवा है esbtcnews.com, es.btcnews.com जिसे esfaucet भी कहते हैं, छठा है हमारे पास expresscrypto.io, सातवां है autofaucet.dutchycorp.space। ये अभी थोड़ा स्लो चल रहा है तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन ये सेम टू सेम ऐसे ही काम करता है जैसे हमने ऑटो फॉसेट और ऑटो क्लेम बात किया। आठवां है हमारे पास autofaucet.org और नाइन्थ है हमारे पास autoclaim.in। एक और वेबसाइट जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, वो है nicehash.com। nicehash.com बेसिकली इट्स ऑल्सो माइनिंग सॉफ्टवेयर, बट ये ब्राउजर पे नहीं चलता है, ये माइनिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो आपके लैपटॉप पे एज अ सॉफ्टवेयर काम करता है। आप यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में जैसे भी कोई सॉफ्टवेयर आप डालते हैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके वहाँ से आप ऑन द रिक आप ऑन द CPU और GPU आप माइनिंग करते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही काम करता है जैसे आपका जैसे ये हमारा माइनर गेट काम करता है या फिर माइनर गेट काम करता है या फिर हमारा ये इलेक्ट्रम की तरह इलेक्ट्रम काम करता है। तो ये अलग चीज़ें हैं लेकिन तो अभी बस ये क्रिप्टो टैब गोल्डन प्राइस मैजेस्टी डॉज माइनिंग पेड ES फॉसेट एक्सप्रेस क्रिप्टो या ऑटो फॉसेट डची डॉट स्पेस ऑटो फॉसेट और ऑटो माइनिंग यही कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप माइनिंग करके थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी जमा कर सकते हैं और अच्छा उसे मुनाफा बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग।
जरूर जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक बार और डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप किसी भी साइट में कोई भी पेड अकाउंट बनाएं या अपना पैसा वहाँ पर फंसाएं। फ्री में आपको जो मिलता है उसी से आप खुश रहें। पहले फ्री में बनाइए, अगर आप फ्री में कुछ पैसा बना लेते हैं तो उसी पैसे को री इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा और नया पैसा बना सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप उसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें किसी के अंदर भी, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट्स के अंदर, ताकि बाद में आपको अगर कुछ मुनाफा ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो इसी आशा के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी कुछ रोचक जानकारी लेकर मैं आपको फिर हाजिर होता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सही सलामत रहिए, अपने आप बचाए अपना बचाव करते रहिए और कोरोना को मात देते रहिए। घर से बाहर मत निकलिए बेवजह, मास्क लगा के रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय माँ भारती, जय जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।